नमस्कार दोस्तों, हमें सूचना मिली थी, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, सांप निकला हुआ है पीछे वाले भाग में। दोस्तों यहां हम पहुंच चुके हैं, आगे चलकर देखते हैं सांप कहां पर है। दोस्तों माननीय श्रीमान एसपी साहब के पिछले वाले भाग में सांप निकला हुआ है। दोस्तों वहां जाकर हम रेस्क्यू करते हैं। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल घनश्याम सवेरा बस्ती, आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आगे फिर वहाँ पहुँच करके तब तक हम आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों तब तक के लिए आप नज़र जमाए रखना। दोस्तों वहाँ पहुँच करके फिर आप लोग को हम आगे का वीडियो दिखाते हैं, नज़रें बनाए रखना। दोस्तों श्रीमान एसपी साहब के आवास पर हम दोस्तों पहुँच चुके हैं। यही जगह है दोस्तों, वो सांप यहीं कहीं पे निकला हुआ है। दोस्तों हम वहाँ पहुँच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बस्ती श्रीमान एसपी साहब के आवास पर सांप निकला हुआ है, यहाँ हम रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। दोस्तों देखो कितना तेज भागता है। कट गया है, चोट लग गया है शायद इसको। दर्द कर रहा हो ऊपर कराओ के। नहीं ये रसल वाइपर है। सतेंद्र भाग रहा उतना दूर। अरे यार खतरनाक हो गया है। बोरा है, हाँ है बोरा। चोट नहीं लगा है बाबू? चोट लगा है उसको, कट गया है कुछ है। कट गया है पीछे, देखो कितना सारा कट गया है। अब डाल दो बोरा में यार। अभी काट ले। अब पकड़ने वाला कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ जाएगा भाग के। अब छड़ी मिल गया, छड़ी जो है घुमाते रहिए। इतना अपने बॉडी को छोटा कर लिया है ना, इतना छोटा थोड़ी है। दोस्तों बस्ती श्रीमान एसपी साहब के आवास के पिछले वाले भाग में निकला हुआ है रसल वाइपर सांप है। दोस्तों का पुराना सूख है। देखिएगा मुंह आपकी तरफ भी किया हुआ है, जंप ना मार दे। नहीं कुछ खाया नहीं है, इसीलिए वो उसको सिकोड़ लिया है क्या पीछे वाले हिस्से को।
10,000 से ज्यादा जहर इसके अंदर। नहीं नहीं, इसके जहर बहुत ज्यादा होता है, इस समझ लो कि 10 फिटार से ज्यादा इनके अंदर जहर है। ये रसल वाइपर है, इंडियन स्नैक्स रसल वाइपर। चित्ता भाई, वो चितंग का अजगर का ही रूप। हाँ, जहर नहीं होता। चलिए दोस्तों, सांप को बोरी में डाल दिए हैं। जिसका सर मोटा रहेगा, जहरीला रहेगा, जिसका मोटी शरीर रहेगी और सब लगे। चलिए उसको बांध करके अब रख दो। हवा पानी ना पाओ मुझे। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए। ए बढ़िया बोरा लियो आरपी। दूसरा बोरी मंगाओ। ये ऐसे ही सीटी मारता है एकदम पूरा सी सी करके। छेद कर दो भैया ना, ना तो ऑक्सीजन कंबाइन कर दी। हल्का हल्का छेद कर दो, जैसे बांध दे दो तो ऑक्सीजन। अभी आपका ना ही मालूम है भैया सांप के बारे में। अभी आपके एक पहाड़ी वाइपर है, 10 मीटर से ज्यादा इसके जा रहे हैं। तो आप कह रहे कुछ जहरीले नहीं? नहीं, अजगर ना ही है भैया, ये रसल वाइपर है। उस बोरी में देखो, अभी इसको भी कट गया है। और एक वाइपर को पकड़ने गए थे, जा ही रहे थे, लेकिन वो सब भाला मार दिए, यहीं पर मारे हैं। हमें नहीं, आज 4 दिन हुआ दवा कर रहे हैं, उसका दवा लगा रहे हैं, मेरी ठीक हो रहा है। अब जब ठीक हो जाएगा एकदम तब छोड़ेंगे, तब इसको भी दवा लगाना पड़ेगा। अब दवा लगा देंगे कहीं ठीक होगा। टोपी में क्या रखते हैं? टोपी में कुछ नहीं है। नहीं नहीं, गर्मी में भी टोपी लगाए रहते हैं, मैं देखा है। टोपी ले ला तू। कुछ तो राज है टोपी में। नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं ले ला। इतना बिहारी खाएंगे अगर।